Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Today we are going to discuss the lecture of week 1, day 1, and the unit is the word in the wall. Kindly open your books. Page number 2, let's start the reading. This extract is from the autobiography. वो कहते हैं कि story जो है वो एक autobiography से ली गई है. Autobiography का मतलब होता है life history, बल्कि आबीती कह लें. My family and others animals. मेरा खानदान और दूसरे जान. By Garrett Druell. ठीक है, ये writer का name है. Druell was an expert in studying animals. ये Druell था, वो माहिर था जानवरों को पढ़ने में. When he was 10 years old, जब वो 10 साल का था. Druell, his older siblings and his mother moved to Corfu in Greece to live with Druell's grown-up brother, Larry. Larry जो है वो Druell के बड़े भाई का नाम है. और वो ग्रीस में जो है ये सारी फैमिली मूव कर गई थी वहाँ पर रहने के लिए. It was here that Druell began to collect and keep animals as pet. वहाँ से जो है शुरुआत हुई थी, वहाँ से जो है स्टार्ट हुआ था Druell का, जब उसने एनिमल्स को पकड़ना शुरू किया था और रखना शुरू किया था अपने पास एज अ पेट, पालतू जानवर के तौर पर. ओके. द क्रैम्बलिंग वॉल दैट सराउंडिंग द गार्डन अलोंग साइड द हाउस वॉज अ रिच हंटिंग ग्राउंड फॉर मी. क्रैम्बलिंग का मतलब होता है टूट फूट. कहते हैं कि ग्राउंड में जो है वहाँ पे टूट फूट थी, दीवार थी घर के बिल्कुल साथ ही, जो एक बेहतरीन जो है हंटिंग ग्राउंड थी, शिकार के लिए ग्राउंड थी. इट वॉज एन एंशियंट, एंशियंट मीन्स पुराना, ब्रिक वॉल दैट हैड बीन प्लास्टर्ड. कहते हैं वो जो दीवार थी वो बहुत पुरानी थी, जो ईंट से बनी हुई थी. ब्रिक का मतलब होता है ईंट, और उस पर प्लास्टर किया गया था, प्लास्टर्ड प्लास्टर किया गया था. ओवर आउट नाउ दिस आउटर स्किन वॉज ग्रीन विद मॉस. ठीक है, मगर वो कहते हैं वो दीवार पर जो प्लास्टर किया हुआ था वो अब जो है सब्ज होना शुरू हो गया था. लेगिंग एंड सैगिंग विद द टेप ऑफ मैनी विंटर्स. कहते हैं नमी की वजह से वो हिस्सा जो है वो सब्ज होना शुरू हो गया था. द होल सरफेस वॉज एन इंट्रिक मैप ऑफ क्रैक्स. कहते हैं वो जो पूरी सतह थी, वो जो पूरी दीवार थी, उसमें जो है दरारें आना शुरू हो गई थी. क्रैक्स, दरारें आना शुरू हो गई थी. सम सर्वर इंचेस वाइल्ड, कुछ जो थी वो बहुत ज़्यादा ही जो है दरार उसमें आ चुकी थी. अदर्स एज फाइन एज हेयर्स, और कुछ जो थी वो बेहतर थी हेयर्स, बालों की तरह. हेयर एंड देयर लार्ज पीसेस हैड ड्रॉप्ड ऑफ एंड रिवील्ड दी रोल्स ऑफ रोज पिंक ब्रेक्स लेन बनीथ. वो कहते हैं कुछ पीसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा भरे थे, जो गिर चुके थे, और ऐसा लग रहा था जैसे रोज पिंक जो ईंटें हैं वो इसके नीचे नज़र आ रही हों. जस्ट लाइक आपको मैं थोड़ा सा डेमो दे देती हूँ, इसमें ये पिक्चर जो है वो नज़र आ रही है. अब ये जो दीवार है इसमें ये जो क्रैक दिखाया गया है, ये जो है एग्जाम्पल दे रहा है उस दीवार की. इस तरह का जो है वो क्रैक आ चुका था दीवार में, जो साफ नज़र आ रहा था कि इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जानवर रहते हैं. नाउ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वॉल वर आर मिक्स अलॉट. कहते हैं उस दीवार के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो हैं जानवर रहते थे, मुख्तलिफ किस्म की जो है नबतात और ये चीज़ें रहती थी. एंड दे वर डिवाइडेड इंटू डे एंड नाइट वर्कर्स. और इन्होंने जो है अपना वक्त तकसीम किया हुआ था दिन और रात के कामों में. द हंटर्स एंड द हंट, शिकार और शिकारी. एट नाइट, रात में. द टोर्ड्स, टोर्ड्स जो है वो फ्रॉग को कहते हैं, फ्रॉग की किस्म है. बिकोज वर्दी हंटर्स. एट नाइट द टोर्ड्स एंड गीकोज वर्दी हंटर्स. वो कहते हैं रात के टाइम जो है वो मेंढक और जो दूसरे नबातात थे वो वहाँ के शिकारी थे. देयर प्रे वॉज द पॉपुलेशन ऑफ स्टूपिड एब्सेंट माइंडेड क्रे फ्लाइज.
moths of all shapes and sizes, and donned beetles hurrying with their night worker. By day, it was difficult to tell the difference between the prey and predators. Everything seems to be feed off everything else. अब वो ये बात कह रहे हैं कि वहाँ पे जो ग्राउंड थी, ग्राउंड में जो है मुख्तलिफ किस्म के जानवर थे, और उसमें जो है वो फ्रॉग भी पाए जाते थे, कैटरपिलर्स भी थे, डिफरेंट किस्म की लिज़र्ड्स भी थी, ठीक है, मल्टी कलर्स की जो उस वॉल में रहती थी। और उनका काम क्या था कि वहाँ की जो फ्लाइज थी, स्पाइडर्स थे, वो एक दूसरे को हंट कर लेते थे, अपना शिकार बना लेते थे। और जो सुबह होती थी तो ये पता नहीं चलता था कि शिकार कौन सा है और शिकारी कौन है, उनके किसने किसको खाया है। एवरीथिंग सीम्स टू बी फीड ऑफ एवरीथिंग एल्स, ऐसे लगता था कि हर चीज़ ने एक दूसरे पर जो है उसको खा लिया है। द हंटिंग वेब्स सर्च आउट कैटरपिलर्स एंड स्पाइडर्स, द स्पाइडर्स हंटेड फॉर फ्लाइज, द ड्रैगन फ्लाइज फीड ऑफ द स्पाइडर्स एंड ही फ्लाइज, एंड द स्विफ्ट मल्टी कलर्ड वॉल लिजर्ड फीड ऑफ एवरीथिंग। नाउ But my favorites were the shyest members of the wall community who did not seek any attention. अब जो राइटर है वो यहाँ पर ये बात बयान कर रहा है कि जो सबसे फेवरेट मेरी थी, ठीक है, जो उस वॉल की कम्युनिटी में रहती थी, वो सबसे शायस्त थी, वो सबसे शर्मीली थी, शर्माती थी, वो डिड नॉट सी एनी इंटेंशन, जिसको जो है किसी भी तवज्जो की ज़रूरत नहीं थी, अपनी तरफ वो तवज्जो किसी की करवाती नहीं थी। देवर आल्सो दी मोस्ट डेंजरस, वो जो है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी पाई जाती है। यू हार्डली एवर साव वन अनलेस यू लुकड फॉर इट, क्या वो कहते हैं, आप इसको बहुत मुश्किल से जो है वो देख सकते हो, ये बहुत कम जगहों पर जो है वो पाई जाती है, बहुत कम जगहों पर होती है। एंड येट देयर मस्ट हैव बीन सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल, इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस ऑफ द लोज प्लास्टर अवे फ्रॉम द ब्रिक, देयर क्रचिंग बीनीथ इट वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन एन इंच लॉन्ग, लुकिंग एज दो ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश चॉकलेट। वो कहते हैं कि उस दीवार की जो दरार थी उसके अंदर जो है वो स्कॉर्पियन भी जो है होते थे, और स्कॉर्पियन की जो स्किन थी, जो ऊपर का जो पार्ट था, वो ऐसा था जैसे पॉलिश चॉकलेट हो। उसको देखने के बाद ऐसा लगता था इसके ऊपर पॉलिश चॉकलेट, चॉकलेट की पॉलिश की हुई है, पॉलिश किया हुआ है उसको, उसकी ब्राउन स्किन की वजह से। देवर weird looking things with their flattened oval bodies. अब जो स्कॉर्पियन की जो बॉडी है अपर पार्ट जो है वो ओवल शेप में है, ठीक है, एंड enormous crab like clip, और जो क्रैप है उसका वो enormous है, मतलब कि बहुत बड़ा है, एंड नीटली ज्वाइंट एज एंड द टेल लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स, एंड इफ यू वॉन्ट टू एग्जाम हर, क्या अगर आपने उसको चेक करना है स्कॉर्पियन को, तो ओनली राइजिंग हिज टेल एज अ वार्निंग साइन इफ़ यू नीड टू हार्ट ऑन हिम, अगर आपने स्कॉर्पियन को चेक करना है तो आपको उसकी टेल से उसको उठा के चेक करना होगा, क्योंकि स्कॉर्पियन जो है वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। तो आज की रीडिंग जो है वो बस हम यहाँ तक करेंगे, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3, यहाँ पर डेट जो है वो आप लोग मैंशन कर। स्टोरी जो है वो गैरेट ड्यूरल ने जो है वो ये स्टोरी लिखी है, और उसमें उसने बताया कि उसको जो है एनिमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसको वो एनिमल्स को एज अ पेट पालतू जानवर भी जो है वो रखता है घर में, ठीक है, और स्कॉर्पियन जो है वो उसका अब तक फेवरेट एनिमल है। इंशाल्लाह कल जो है वो हम बाकी रीडिंग्स की करें।